चीज़ी गार्लिक प्रॉन्स बनाने हैं तो देखते हैं इसकी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स। बहुत बहुत क्विक और इजी स्टार्टर है, वन मस्ट ट्राई। आप ज़रूर ट्राई करना इन प्रॉन्स को, ये एक लार्ज प्रॉन्स हैं। तो आइए स्टे ट्यून्ड। यूज़ कर रही हूँ ITC मास्टर शेफ के 200 ग्राम्स लार्ज प्रॉन्स और ये तो जब आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी होते हैं। मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन तो नहीं कर रही, लेकिन आप भी यही प्रॉन्स दे सकते हो। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए गार्लिक, हमने लंबा स्लाइस काटा है, अनियन चाहिए लंबा स्लाइस, ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च, चीज़ चाहिए ग्रेटेड, येलो कैप्सिकम हमारे को चाहिए, शिमला मिर्च पीली शिमला मिर्च, ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार नमक यानी कि सॉल्ट, कुछ अमूल बटर में बनाएंगे क्योंकि चीज़ी गार्लिक करने वाले हैं। तो चीज़ी गार्लिक प्रॉन में अमूल बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और प्रॉन्स को अच्छे से हमने धो के वॉश कर लिया है, अच्छे से धोना गाइस, तो बहुत झटपट बनाएंगे। आइए तो देखते हैं इसकी रेसिपी। होप आपको इंग्रेडिएंट सारे समझ आ गए होंगे। बटर डालिए पैन में। जब बटर हमारा गर्म हो गया है तो हम डालेंगे अपना चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। गोल्डन ब्राउन तक हाई फ्लेम में हमें इसको सॉटे करना है। साथ ही में हम डालेंगे अपना अनियन चॉप्ड मतलब प्याज, इसको भी हम अपना सुनहरे कलर तक गोल्डन ब्राउन करेंगे। गाइस मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो इसके लिए थैंक यू, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको अपील है कि वो प्लीज सब्सक्राइब करें। टेस्टी टेस्टी रेसिपीज, आसान रेसिपीज के साथ मैं आप लोगों को मिलती रहूंगी। अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए, इससे ज्यादा हमारे को इसका कलर नहीं करना। अब हम अपने कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे यानी कि कैप्सिकम, इसको भी हम सॉटे करेंगे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए हम इसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। क्रंचीनेस वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी लगती है। साथ ही में हम डालेंगे अपनी पीली शिमला मिर्च यानी कि येलो बेल पेपर, इसको भी हम सॉटे करेंगे। कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितना अच्छा कलर लग रहा है, झटपट बनते हैं। आप प्लीज इसको जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर जिनको प्रॉन्स अच्छे लगते हैं उनको डबल प्रॉन्स उनके फेवरेट हो जाएंगे। बेल पेपर्स, हमारी शिमला मिर्चे, अनियन सब सॉटे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने 200 ग्राम्स लार्ज प्रॉन्स और इसको भी हम अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट करेंगे ताकि इनका भी एक कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ जाए। और इसकी एक टेक्निक होती है प्रॉन्स की कुक करने के टाइम, जल्दी कुक हो जाते हैं, इसको ओवर कुक नहीं करते प्रॉन्स। देखो ये बिल्कुल राउंड हो गए हैं प्रॉन्स, मैं आपको दिखा सकती हूँ अपनी स्क्रीन पे। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस टेक्निक से गार्लिक चीज़ी प्रॉन्स अपने बच्चों को खिलाएंगे या कोई गेस्ट आ जाएंगे एज अ स्टार्टर स्नैक रखेंगे वो पागल हो जाएंगे। सीरियसली ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो जो रेस्टोरेंट में बनते हैं वो एक पोर्शन अराउंड 500 का पड़ता है, जो कि आप घर पे बहुत इकोनॉमिकली बना सकते हैं। जब कभी भी बहुत जल्दी बच्चों को भूख लगती है, वो उनके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होती, कुछ खाने का मन करता है, तो आप उनको ये प्रॉन्स ज़रूर बना के खिलाइए। 2 मिनट के लिए लिड को कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अंदर तक कुक्ड हो जाएं। कितने कलरफुल लग रहे हैं, लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी लिड को अनकवर करके देखते हैं, ये बिल्कुल रेडी है, देखिए इजली अंदर जा रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपना सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। पहले हम डालेंगे थोड़ा सा काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना यानी कि नमक। मिक्स वेल। गाइस मेरा इंस्टा चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि है वेलनेस डाइट 29।
आप उस पर भी बहुत टेस्टी टेस्टी शॉर्ट्स और रील्स देख सकते हैं। उस WELLNESDIET 29। अब हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी चीज और फिर हम अपना लिड को कवर कर देंगे। चीज डालिए, कद्दूकस हुई हुई चीज। अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो ज्यादा डालिए, कम अच्छी लगती है तो कम डालिए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है चीज, इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा डाल रही हूँ। अब हम अपना लिड को कवर कर देंगे और देखिए, है ना आसान और इजी रेसिपी। ये स्टार्टर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है, आई एम श्योर एक बारी तो बनानी बनती है। 2 मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए चलो लिड कवर कर दो और अपनी फ्लेम को बंद कर दो। वोला, हो गई तैयार। है ना क्विक और इजी स्टार्टर रेसिपी। देखिए कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी, कितनी 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 बोलू मैं, क्या बोलू मैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बारी चीजी गार्लिक प्रॉन्स जरूर बनाना इस स्टाइल से। आई होप आप कोई भी स्टार्टर इससे टेस्टी तो शायद नहीं बन सकता। होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसका टेस्ट, बट ये कह सकती हूँ कि आप इसको एक बारी तो जरूर बना के देखना। और मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमने कोई बहुत सुंदर सी स्टार्टर प्लेट ली है। आइए अब हम इसमें डालते हैं अपने प्रॉन्स। इसको थोड़ा और टेम्पटिंग बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और डालिए ताकि ये और अच्छा लगे। लग रहा है ना यम्मी गाइस, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास लाइट कम लग रही है, शायद आपको स्क्रीन इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रही। मैं अपनी कुछ ये सिराचा मेयो के साथ जो विन ग्रीन्स की है उसके साथ इसको क्लब करूंगी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी डिप ले सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इस डिप के साथ तो किसका मन नहीं करेगा ऐसे चीजी गार्लिक प्रॉन्स खाने का। एज अ स्टार्टर तो ये बेस्ट होते हैं। होप आपको लाइट क्लियर आ रही हो और इसका टेस्ट इन्हांस होता हुआ मुझे तो आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। आज की आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसा चीजी गार्लिक स्नैक एक बारी आप बनाना और ये बहुत क्विक बनता है। विद इन 8 मिनट्स ये मेरी पूरी रेसिपी रेडी हो गई है, तो इसको एक बारी जरूर ट्राई करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप आगे भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।